मिजल्स रूबेला से हो रही बच्चों की मौत की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें करीब 6.5 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान आज 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान 6 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जिले के 9 महीने से 15 साल तक के 6,40,000 बच्चों का टीका लगाया जाएगा। जिले में कोई भी बच्चा टीके से छूट ना पाए, इसके लिए टीकाकरण केंद्र भी बनाया गया है। मिजल्स रूबेला अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस अभियान से मिजल्स का उन्मूलन और रूबेला का नियंत्रण किया जाएगा। जिले के सभी पंचायतों के ग्राम, पारा, मोहल्ला और टोला में रहने वाले बच्चों को टीका लगाने के लिए जन जागरूकता लाने और आम जनता में अभियान के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अभियान के दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। मिजल्स रूबेला का टीकाकरण एक साथ ही लगाया जाता है, जिससे शारीरिक नुकसान से बचा जा सके। 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए घर घर में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल में जाकर टीकाकरण किया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूल में जाकर छात्र और उनके पालकों को समझाइश दी गई है। साथ ही बताया गया है कि टीकाकरण से किसी भी प्रकार की शारीरिक नुकसान, बल्कि बच्चों को टीकाकरण से लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये मीजल्स और रूबेला दो तरह के है, उसमें टीका है ये, और मीजल्स मतलब खसरा और रूबेला भी खसरा जैसे ही है, तो ये दोनों का एक साथ टीका लगाने से जो इसके वजह से जो बहुत सारी नुकसान होता था शरीर में, वो इससे बच जाएंगे, है ना। कहीं कभी आँख में दिखने उसकी दिक्कत, हृदय में दिक्कत, और भी किडनी वगैरह में, और भी अन्य शरीर के जो अंग हैं उसमें इसके दुष्प्रभाव को रोकेगा, और इसलिए इसको MR का टीका लगाना जरूरी है। और 9 माह के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, 9 माह से लेकर के 4 साल तक के बच्चे या 3 साल तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, वो बच्चे वहाँ हमको मिलेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घरों में रहते थे, उनको भी हम लोग इसका लगाएंगे। और ये सिंगल डोज टीका है, और इससे इस पूरे ये अभी हमारा अभियान जो चल रहा है, ये 6 अक्टूबर से लेकर के 19 दिसंबर तक का हमारा कार्य योजना है। 17वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 83 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। मिजल से भारत में प्रतिवर्ष औसतन 50,000 और रूबेला के कारण 40,000 से 50,000 बच्चों की मौतें होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।